IMF का दो मोर का मुतालबा, NFC फार्मूला पर एतराज। IMF का NFC अवार्ड के तहत सूबों के हिस्से पर नजरसानी का मुतालबा। IMF ने PIA और हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी पर प्लान भी तलब कर लिया। PIA की निजकारी के लिए बैंकों और हुकूमत के दरमियान कर्ज टर्म शीट पर ब्रीफिंग भी मांग ली। PIA की निजकारी के लिए कमर्शियल बैंकों के साथ 12% तक शरह सूद पर टर्म शीट एग्रीमेंट होगा। कमर्शियल बैंकों के साथ कर्ज टर्म शीट मुआहिदा तय पाए जाने पर बैंकों से NOC मिलेगा। टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू पर FBR के वफ्द के साथ मुजाकरात होंगे। तवानाई सेक्टर की कारकर्दगी से IMF वफ्द मुतमईन नहीं। IMF मिशन के पाकिस्तानी हुकाम के साथ दूसरे रोज भी मुजाकरात होंगे। NFC फार्मूले में तब्दीली का IMF का मुतालबा मुस्तरद। NFC पर खिलाफ दस्तूर कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। NFC के अखराजात में विफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। विफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादल ज़राए तलाश किए जाएंगे। विफाकी और सूबों में बिजली के नुकसान पर मुश्तरका हिकमत अमली का इम्कान। बेरजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात पर भी मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। NFC पर तरामीम का मुतालबा IMF पहले भी करता रहा है। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अमेरिका में तहरीक इंसाफ का एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तान पर कड़ी शराइत आयद करने का मुतालबा। मुजाहरा IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर के बाहर हुआ। धांधली की तहकीकात पर कर्ज की किस्त जारी करने की अपील। साबिक वफाकी वजीर शहबाज गिल को मुजाहरे का टास्क दिया गया था। घिनौने प्रोपेगेंडा के लिए मकामी और आलमी NGOs की मदद दी गई। मुल्क दुश्मन जमात वो इस IMF के प्रोग्राम को साबोटाज करने पे तुले हुए हैं। मुट्ठी भर शरपसंद अनासर बैरून मुल्क जो मुकीम हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग के बाहर अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरा किया है कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए। ये वो लोग हैं पाकिस्तान की मट्टी से जिनको कोई मोहब्बत नहीं है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। 9 मई में मुलविस लोग IMF से मुज़ाकरात सेबोटाज करना चाहते हैं। बैरून मुल्क मुठ्ठी भर शरपसंदों ने आज IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। PTI मुल्की मफादात के खिलाफ काम कर रही है। सियासत और सियासी जमातें बाद में, सबसे पहले पाकिस्तान है। हुकूमत के आलमी मालियाती इदारे से मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात हो रहे हैं। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। वज़ीर इत्तला'आत अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। IMF से मुज़ाकरात, सरमायाकारी की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की माशी असलाहत का भी जायज़ा। डोनल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में जमहूरियत की हिमायत के अज़्म को दोहराया। दोनों मुल्क मौसमी तगैयुरात से मुतालिक मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए पुरअज़्म। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे में 7 ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर का इजहार बरहमी। अपोजिशन को इंजबाती कार्रवाई की वार्निंग। ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। इजलास की कार्रवाई गैर कानूनी है। ऑर्डिनेंस में तौसी की करारदाद को मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर यूब का इजहार ख्याल। अपोजिशन वाले करारदाद पर बात करने से पहले पढ़ लिया करें। IMF को चिट्ठियाँ लिखने से और GSP+ बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। 25 करोड़ आवाम का सोचें, मुल्क से दुश्मनियाँ आपको छोड़ना पड़ेंगी। कल पेशावर हाई कोर्ट ने इनको घर भेज दिया कि इनका कोई इस्तेहकाक नहीं। मुल्क की बजाय हर वक्त कैदी के पीछे खड़े ना हों। वज़ीरे कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। आपको अपने अपने दामन में भी अपने गिरे बांध लेके देखिए। थैंक यू। IMF को चिट्ठियां लिखने से, पाकिस्तान के प्रोग्राम्स बंद कराने से, EU को चिट्ठियां लिखने से और GSP+ को बंद कराने से मुल्क नहीं चलेगा। ये मुल्क दुश्मनी छोड़ना पड़ेगी आपको। 25 करोड़ आवाम का सोचे। ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती जी। ये ऐवान कानून बनाने के लिए है और इस पर कानून के तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। मगर एक और मुतालबा ज़रूर करूँगा
वो ये है कि 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 22 तक रिकॉर्ड निकाला जाए, इन तीनों अदवार में ऑर्डिनेंस किस दौर के जरूर कर। पीपल्स पार्टी का एतराज के बावजूद ऑर्डिनेंस के हक में वोट, पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमतें ऑर्डिनेंस पर नहीं चलती। अपोजिशन की बात से इतफाक करता हूं, देखा जाए किस हुकूमत में ज्यादा ऑर्डिनेंस पेश हुए। ऐवान में गजा की सूरत हाल पर करारदाद भी मंजूर। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, आज पहला दिन है कि हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा रूल्स को वायलेट करते हुए और आईन को वायलेट करते हुए इब्तिदा की है। अपोजिशन ने हुकूमती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिए, हुकूमत ने कानून तोड़ते हुए करारदाद पेश की, हुकूमत ने पहले रोज ही रूल से हटकर कानून साजी की। कानून साजी पार्लियामान का हक है, बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, ये पार्लियामेंट नहीं मजलिस शूरा बन चुकी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, एक नोटिफिकेशन करा देते, इनका टारगेट है कि नूली को मजीद 20 सीटें देनी है, ये लंबी जंग है, हम मुजाहमत करेंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक। पार्लियामेंट तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा, ये तो मजलिस शूरा नहीं था जो हक ने बनाया था, उसी टाइप का कोई चीज बन गई है। इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद 20 सीटें देनी है, तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया बस नोटिफिकेशन करवा लेते। हम इंशाल्लाह मुजाहमत करेंगे। मैं अपने वर्कर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूँ, देखे ये एक लंबी जंग है। रमजान मुबारक का पहला आशरा, महंगाई का पारा नीचे आने के बजाय ऊपर जाने लगा, गिरानी की शरह में 1.35% का इजाफा, मजमूई शरह 32.89% की सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में 18 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 में कमी हुई, टमाटर 30, लहसुन 22 रुपए महंगा, मटन 31, बीफ 14, मुर्गी के गोश्त की कीमत में 6 रुपए इजाफा, केले 34, अंडों की कीमत 19 रुपए फी दर्जन बढ़ गई, LPG का घरेलू सिलेंडर 146.71 रुपए महंगा हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिया। बेतहाशा महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए, रमजान में अशिया जरूरिया की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, गोश्त के बाद फल और सब्जियां भी दस्तरस से बाहर, प्याज 300, भिंडी 350, शिमला मिर्च 400 रुपए किलो हो गई, टमाटर 180, लीमू 220, सब्ज मिर्च 300, अदरक और लहसुन 700 रुपए किलो में बिकने लगा, मटर 260, टिंडे 140, गाजर 100 रुपए फी किलो बिकने लगी। महंगाई के सताए आवाम का बेबसी का इजहार। रमज़ान में इतना महंगा हो गया, दालें चीनी और सब वगैरह जो है ना, सब इस तरह महंगे हो गए कि गरीब बंदा पहुँच से बहुत दूर है। सब्जी मंडी में खड़ी हुई है, प्याज का पता कर ले या टमाटर का कर ले, सब्ज मिर्च का कर ले, कोई चीज़ 500-600 रुपए से किलो नहीं है। हर चीज़ 200 रुपए से और 250 रुपए से कम नहीं है कोई भी चीज़, लगा हम गरीब लोग इसमें हम नहीं खरीद सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FBR हेडक्वार्टर्स का दौरा, वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास, चेयरमैन FBR और बोर्ड अरकान की शिरकत, FBR की रेवेन्यू इकट्ठा करने की कारकर्दगी का जायज़ा, वज़ीर ख़जाना को रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए उठाए गए इकदामात पर ब्रीफिंग, रवा माली साल के पहले 8 महीनों के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करने का हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया गया, टैक्स वसूली के निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया जाए, टैक्स के हकीकी पोटेंशियल के हुसूल के लिए कोशिशें तेज़ की जाएँ। मोहम्मद औरंगज़ेब की हिदायत, वज़ीर ख़जाना की फ़राइज़ की अंजामदही में मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी।